अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक है यार। कोर्ट अद्दू में जो ना गर्मी इतनी शदीद हुई हुई है कि जिस काम के लिए हम आए हुए थे वो काम जो ना टुकड़ों टुकड़ों में करना करना पड़ रहा है। पहले हमारे साथ अली भाई मौजूद थे, मोहम्मद अहमद भाई के बड़े भाई। अब हमारे साथ मौजूद हैं अहमद भाई। अहमद अली भाई ने जो है वो बछड़ों के साथ और गायों के साथ अपने रिव्यू दिया था, मतलब अपने जो फार्म था उसका विजिट करवाया था। और अब जो है वो अहमद भाई जो है ना वो छोटे जानवरों का विजिट करवाएंगे, यानी कि बकरों का विजिट। तो अहमद भाई कौन कौन से बकरे हैं आप लोगों के पास? हमारे पास बकरों में ये मोहम्मदपुरी नस्ल भी है और बकरों में हमारे पास टाबरा नस्ल भी है, जो कराची की सिंध की नस्ल होती है। टाबरा टाबरे लेके आओ भाई, टाबरे लेके आओ, बड़ा टाबरा लेकर आओ, बड़ा टाबरा भी लेके आओ, छोटा टाबरा भी लेकर आओ। उसके बाद हमारे पास ये मक्की चीनी बकरियां भी हैं, बकरा भी है, मक्का चीनी, मक्की चीनी, ये दुनियापुर की नस्ल है। हाँ जी, ये मक्की चीनी नस्ल, ये टाबरी नस्ल आपके सामने खड़ी हुई है, ये वाली टाबरी नस्ल है। ये मेंढे हैं। हाँ जी, ये टेढ़ा नस्ल है, इधर की डेरा गाजी खान वाली साइड की नस्ल है ये टेढ़ा। ये हाँ जी, ये वाली नस्ल जो है ये बकरा, ये वाली नस्ल। हाँ जी, ये नस्ल सही है। हाँ जी, ये टाबरा नस्ल है, ये भी टाबरा है। हाँ जी, ये टाबरा नस्ल है। और ये पीतल है, पीतल बकरा, ये वाला बकरा। हाँ जी, ये बकरा पीतल बकरा है। ये देखिए आप, फौजी प्रिंट है इसका। हाँ, ये फौजी प्रिंट में है। ये बड़ा, ये टाबरा बकरा है जी, टाबरे में है ये सबसे बड़ा बकरा। हाँ जी, बड़ा बकरा है ये। इसमें अच्छा मोहम्मदपुरी भी है, मोहम्मदपुरी बकरा लेकर आओ, इसको छोड़ दो। ये मारते बहुत है बकरे। हाँ जी, सिंगों के कमाल है इनके। ये मक्की चीनी बकरी है जी, ये बकरी। हाँ जी, हाँ जी, वो लेके बड़ा बकरा पकड़ के लेकर आओ। वो भी टापरा है। हाँ जी, हाँ जी, ये जो ये बकरी है ना, हाँ जी, ये बकरी है, ये बकरे हैं, ये हमारे इधर कोटद्दू की नस्ल है देसी, ये वाली। हाँ जी, ये देसी बकरे हैं हमारे कोटद्दू के। ये मोहम्मदपुरी बड़ा बकरा है जी, हमारा ब्रीडर है। अच्छा, हाँ जी, चनोटा बकरा लेके आओ। ये चनोटा, ये भी हमारे पंजाब की नस्ल है, हिरन क्रॉस है। हाँ जी, चिनोटा, माशाल्लाह खूबसूरत बकरा है। हाँ जी, ये बकरा ही है। अच्छा, इसका कद इतने रहेगा? ये टेढ़ी लेके आइए वाला, ये बकरा, ये टेढ़ी भी हमारे इधर कोटद्दू की नस्ल है, पंजाब की नस्ल है। खूबसूरती चेक करें आप, गुलाबी है, गुलाबी। ये गुलाबी में, ये नकोड़ा मेंढा है, ये तोते की फेस है इसका। वाह यार, इसका तोते वाला फेस है, इसकी नाक जो है वो बिल्कुल तोते जैसी, तोते जैसी है। ये नकोड़ा मेंढा कहलाता है। ये ये दाढ़ी वाला बकरा, दाढ़ी वाला बकरा है, माशाल्लाह। और कौन से नस्ल है? और सिंधी नस्ल भी, ये वाली। हाँ जी, हाँ जी, सिंधी नस्ल है वो, सिंधी नस्ल है बकरी। ले आप पकड़ के, ये बड़ी बकरी, बड़े कन्ने वाली बड़ी बकरी, सिंधी बकरी पकड़ना। मोहम्मदपुरी बड़ी बकरी लाके दिखा, ये वाली। हां, पकड़ा इसको, पकड़ा पकड़ा। ये कामोरी नस्ल तो नहीं है? हां जी, ये कामोरी नस्ल, सिंध की नस्ल है जी, ये सिंध की नस्ल है। ये आ गई बड़ी मोहम्मदपुरी बकरी भी लेकर आओ। इसके माशाल्लाह आप कान चेक करें, इसके बच्चे कहाँ हैं? इसके बच्चे, इसका एक बच्चा है जी, वो खड़ा हुआ है में, वो बच्चा भी पकड़ कर लाओ और मोहम्मदपुरी बकरी भी पकड़ कर लाओ। क्योंकि कामोरी जो है ना वो सिंध की सबसे। हाँ जी, हाँ जी, आप इसके कान चेक करें, माशाल्लाह। देख लिए मैंने, कान देखते मैंने थोड़ा बताया आपको, इसके कान ही तो। हाँ जी, सिंध गुलाबी आ रही है, गुलाबी बकरी लेकर आओ भाई, ये पकड़ कर लाओ, यही वाली। ये गुलाबी बकरी है, मोहम्मदपुरी।
मोहम्मदपुरी। हाँ जी माशाल्लाह ये हर ब्रीड पे 3 बच्चे देती है। अरे माशाल्लाह। इसके हमारे पास हैं जिसमें 2 मादियां 1 नर है। सही है। हाँ जी 3 बच्चे इतने दिए हैं माशाल्लाह, जिसमें से 2 मादियां और 1 नर हमारे पास मौजूद है जी। जबरदस्त। ये देसी बकरा है, ये भी टेढ़े में, टेढ़ी नस्ल, पंजाब की नस्ल है हमारे, टेढ़े में गुलाबी, टेढ़ी नस्ल बहुत है। हाँ जी ये भी बकरा मोहम्मदपुरी में, ये सिंगल है, ये फौजी प्रिंट आ गया। हाँ इसको माँ की चीनी को पकड़ के लो। माँ की चीनी जो है ना भारत में आ नहीं रही। माँ की चीनी नस्ल है ये दुनियापुर की, पंजाब में। हाँ जी हाँ जी पंजाब में दुनियापुर की नस्ल है ये, माँ की चीनी नस्ल है। आप ये चेक करें माशाल्लाह बकरी, माशाल्लाह। पिछली दफा इसने 3 बच्चे दिए थे, इस दफा हम गब्बन है ये। अच्छा जी इस दफा भी 3 ही देगी इंशाल्लाह। हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह। और भैया यहाँ का जो ना व्यू चेक करें आप, टोटल देहाती वाला जो है ना वो माहौल है, टोटल देहाती वाला माहौल है। ये मोहम्मद अहमद के साथ और अब्दुल रहमान भी हमारे साथ है। अब्दुल रहमान छुप रहा है, लेकिन अब्दुल रहमान छुप क्यों रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। अली भाई ये माइक आपने आवाज लगाए जरा, आप मुझे बताएं कि ये अब्दुल रहमान क्यों छुप क्यों रहा है। अब्दुल रहमान भाई क्यों छुप रहे हो यार, ये तो डलेगी यार। अब्दुल रहमान थका हुआ है भाई। थका हुआ क्यों थका हुआ, लंबा सफर है ना भाई। लंबा सफर कहाँ से आ गया, सोया है माशाल्लाह से। ये सामने कराची खड़ा है, मैं 9 घंटे में गाड़ी पे आ जाता हूँ कराची से। अब्दुल रहमान पता नहीं क्यों डर रहा है। और ये हमारे काशिफ भाई हैं, ये इलेक्ट्रिशियन भी हैं, अच्छा एज अ मैनेजर भी हैं, और इनसे कोई भी काम आपने जुगाड़ वाला करवाना हो वो आप करवा सकते हैं। मतलब जुगाड़ू वाला काम सारे करते हैं, सारे करते हैं, सारे एक नंबर। जुगाड़ू काम भी एक नंबर तरीके से करते हैं, एक नंबर। चले भैया ये देखे माशाल्लाह से, वो देखे जान गाय को देखे कैसे घास खा रही है खड़ी। ये अली भाई के जानवर है माशाल्लाह से, बड़े जानवरों की वीडियो आप लोगों को दिखा दी है, बनाई थी अभी आज हमारी यहाँ से रवानगी है थोड़ी देर में, तो इनके बकरों की भी सोचा वीडियो बनाते चले, और इनके बकरों की वीडियो बनाई है। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं भाई, आप लोगों से इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी भैया। यार भाई का जो ये फ्लैश ब्लिंक कर रहा है।